नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, जिसे जयपुर के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस समय जयपुर में हूँ। तो आज हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ का रिटायरिंग रूम कैसा होता है, कितने का मुझे रिटायरिंग रूम पड़ा है और आप इसको बुक कैसे कर सकते हैं, और यहाँ का रिटायरिंग रूम कैसा है। अब तक आपने देखा था आगरा वाला रिटायरिंग रूम, और यहाँ भी आप देखिए अब यहाँ का रिटायरिंग रूम कैसा है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। और यहाँ के रिटायरिंग रूम की एक मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या कुछ मिलता है वो सारा चेकआउट करेंगे, जिसमें वाईफाई से लेकर आपको कई सारी चीजें मिलने वाली है जो हमने आगरा में मिस कर दिया था। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन उससे पहले समय हो गया है पेट पूजा का, तो पेट पूजा कर लेते हैं। स्टेशन का खाना थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया, तो बाहर की तरफ देखते हैं, होपफुली कि बाहर खाना अच्छा मिल जाएगा। वैसे भी राजस्थान का खाना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर थोड़ा लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, एंड आई लव स्पाइसी फूड। तो चलिए बाहर खाने की खोज में निकलते हैं। तो ये है बेसिकली टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी होगी। आप देख सकते हैं सारी कमर्शियल टैक्सी हैं, येलो प्लेट वाली। और यहाँ से अभी खोल दिया है गेट, तो हम जा सकते हैं बाहर। चलिए बाहर चल के कुछ खाने की तलाश करते हैं। पहले ये बंद था, ये बाउंड्री जैसे लोहे की लग रही, यहाँ पे ग्रिल लगी थी, लेकिन अभी इसको खोल दिया गया आपके भाई के लिए। तो चलो अब यहाँ पर कुछ ढूंढते हैं। यार मेरे लिए क्या खोलेंगे, मेरे लिए कोई खाने की जुगाड़ नहीं कर सकता, ढूंढने की तो बात बहुत दूर की है। यहाँ लिखा है भिवानी पवित्र भोजनालय, पवित्र भोजनालय है, तो चलो इसकी पवित्रता को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितने का और क्या कुछ है। तो ये दोस्तों इसका मेन्यू कार्ड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल की चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपकी जेबें ढीली हो जाएगी, क्योंकि चावल यहाँ पर होता नहीं, तो चावल यहाँ पर महंगा मिलता है, ठीक है। और मैंने मंगाया हुआ है ऐसा कुछ स्पेशल थाली, जो यहाँ पर एक थाली मिलेगी आपको 180 रुपए की, शाही थाली 150 रुपए की, जयपुरी थाली 130 रुपए की। तो मैंने मंगाया है 130 रुपए वाली मटर पनीर दाल फ्राई हरी सब्जी चावल पापड़ दही और चपाती, जिसमें 5 चपाती होगी। लेट्स सी एंड ट्राई। वैसे मैंने आपको एक सीक्रेट बताऊं, खाने पीने पे जहाँ भीड़ हो ना वहाँ जाना चाहिए हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर भीड़ के नाम पर एक भी आदमी नहीं है मुझे छोड़कर, तो ये हो सकता है मेरा कहीं गलत फैसला ना हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मेरा सही फैसला हो। अब स्टेशन के जस्ट सामने है, तो मुझे इसमें 70-30 का चांस लग रहा है, 70 फेल होने का, 30 पास होने का। लेट्स सी। तो ऐसा है अपना कुछ खाना, इधर है सैलेड जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बेकार दही, और ये मूड़ा सा पापड़ ये भी बिल्कुल बेकार और ठंडा है बिल्कुल, अचार वही मांगा वो मिल गया, बाकी ये दाल है, और ये मटर पनीर है, और ये भी कुछ सब्जी है, किस चीज़ की है अभी खाने में पता चलेगा। वैसे इसका स्वाद तो ठीक है, इन तीनों का स्वाद बढ़िया है, रोटी है, तवा रोटी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बटर के साथ होगी, बट सूखी है। तो ओवरऑल अगर खाने की बात की जाए अभी तक जो मैंने देखा है और जैसा मैंने इनको टेस्ट किया है, तो ठीक ठाक है, मतलब खाने में बुराई नहीं है, खाना हमेशा अच्छा होता है, बट रेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो ठीक ठाक है यार, 100 रुपये 130 रुपये में और क्या ही मिलेगा। भाई पेट पूजा हो गई अपनी, और अब आपको बता देता हूँ यहाँ का खाना कैसा था। तो यहाँ का खाना एक नंबर, बहुत बढ़िया खाना था। वो जो सैलेड वगैरह आपने देखा था उसको बाद में चेंज किया इन्होंने और दोबारा सैलेड दिया, और अच्छा खाना था यार, 130 रुपए में बहुत अच्छा खाना था। अभी मैं वहाँ पे खा था IRCTC के लॉन्ज में, वहाँ पर तो 220 रुपए का बता रहा था, तो इससे बेटर बाहर खा लो ज़्यादा अच्छा है। और अब 8:05 हो चुके, चलते हमने रिटायरिंग रूम की तरफ। तो पार्किंग एरिया में जाना अपने को, ऐसे छोटी सी गली इधर से निकलते हुए, वो अपना जयपुर का जंक्शन। लाइट थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि इधर थोड़ा अंधेरा सा है, और मैं इसका परचर बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और सामने ही बिल्कुल मेट्रो है, इधर स्टेशन सामने मेट्रो, तो जो यहाँ के लोकल होंगे उन्हें तो पता ही होगा। अगर आप भी जयपुर में यहाँ से कहीं और दूर है, जैसे हवा महल वगैरह देखने जाते हैं, तो यहाँ आप इस मेट्रो में उतर के यहाँ पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। चलिए अंदर फटाफट यार, 5 मिनट लेट हो गया है, और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं इस वाली प्रॉपर्टी में। यह प्रवेश द्वार, तो यहाँ से प्रवेश करना है अपने को। यह स्कैनिंग मशीन में स्कैन कराना है। इधर आ गई है अजमेर चंडीगढ़, गाड़ी नंबर 12983।
और अब हम चल रहे हैं अपने रिटायरिंग रूम की तरफ, जो कि आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं अपनी, जयपुर जंक्शन ये एग्जिट पॉइंट है, इधर से एंट्री नहीं होगी एग्जिट वाली की तरफ से। नियम और कायदा कानून को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है विश्रामालय, ये वाला वैसे चलना अपने को ऊपर की तरफ, खंबागढ़ी, और ऐसे चलना अपने को ऊपर की तरफ। और मेरे सामने जो आप देखने वाले हैं वो है रिसेप्शन के एरिया। अभी वहाँ पे वहाँ कोई लेडी बैठी हुई है, फर्स्ट टाइम। ये अपना रिसेप्शन के एरिया, और यहाँ का जो भी स्टाफ है बहुत बेहतरीन स्टाफ है। हमारे भाई, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। ये सतीश कुमार जी हैं। यहाँ का जो भी स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जो गलती मैंने करी, कि अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उस टिकट का प्रिंट आउट रखें या फिर सॉफ्ट कॉपी रखें, क्योंकि इनको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। बट इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, पिनर नंबर के साथ इन्होंने सर्च किया और 8 बजे रात को हमें दोबारा से इन्होंने रूम प्रोवाइड कराया। चलो ये कुछ इधर का व्यू आप देख लो, ऐसा कुछ है एरिया। इधर ये नेटिंग लगी हुई है, जालियाँ, जो सुबह आपको ठंडी ठंडी हवा का मज़ा देगी, हवा महल जैसा कुछ फील होगा आपको यहाँ पर। और इधर जो है सारे रूम लगे हुए हैं, ये देखिए 4 बेड 304 ऐसे करके होंगे। डोमेट्री वाले जो होंगे वो डी से मुझे लगता है कि इंडिकेट कर रहे होंगे, और मेरा ये D16। आपको अंदर चल के वॉशरूम भी दिखाता हूँ कैसा है। ये है मेरा, ये है। अच्छा आगे कितने लोग यहाँ पे, कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग मतलब आते हैं एक बार में यहाँ पर बहुत लोग आए। अच्छा, डायरेक्ट आके यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक रहता है यहाँ पर, आप यहाँ बुक कर सकते हैं। क्योंकि मैं आगरा वाला विजिट किया था, तो आगरा वाले में कैसा था, वहाँ पे स्पेस कम है, छोटा है, तो उस हिसाब से जिसने ऑनलाइन बुक कर लिया उसका हो गया, और वहाँ जाने के बाद बुक नहीं होता। चलो ऑनलाइन बुक हो जाए। तो ये है कुछ ऐसे प्रवेश द्वार आपका, और ये सामने आपकी एसी, जो ये कॉमन एसी जो सबके लिए एक होगी। ये ध्यान रखा है डोमेट्री का सिर्फ एक ही एसी होता है, और बाकी ये जालियों से आपको हवा मिलेगी। ये सारे आपके इंडिकेट होंगे इधर, इधर फैन लगा हुआ है, और ये हमारा है ना, ये हमारा D16, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, तो ध्यान रखना। चलो खोलते हैं यार, और हाँ अपने सामान सुरक्षा स्वयं करें। ये मिलेगा आपको एक बेड, और वैसा ही आपको छोटा सा केबिन, चारों तरफ हवादार जालियाँ, और ये लाइट, और ये पंखा बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको आगरा वाले में आपको दिखाया था मैंने। कलरफुल दीवार, और इधर भी आपको जालियाँ, और सामने एक शीशा जिसमें आप अपने आप को निहार सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, और ये छोटी छोटी दो ड्रॉअर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड है एक, आपको पीलो मिल जाएगा, बाकी के स्विच है, चार्जिंग सॉकेट है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं अंदर का वॉशरूम, और बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर गैलरी है जहाँ पर आप जाएंगे, उधर आपके डोमेट्रीज वगैरह हैं, और ये बाहर एक खुला ओपन एरिया है। यहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवा का आप आनंद ले सकते हैं, और वो सामने होटल्स हैं जहाँ अभी मैं खाना खाया हूँ, और ये पूरा एरिया है यहाँ पे जयपुर का। और सामने हर स्टेशन में जैसे आपको दिखता है ये अपने देश का झंडा, तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ का। वॉशरूम नहीं मिला, ये है क्या वॉशरूम भाई साहब? ये वॉशरूम तो बहुत गंदा है, उम्मीद करूंगा कि ये वॉशरूम ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं वॉशरूम की स्थिति, शायद ये ना हो, क्योंकि यहाँ पे आदमी नहाएगा कहाँ और कैसे मैनेज करेगा। गीज़र भी नहीं है, लाइट भी देख ही रहे। चलो पता करते हैं वॉशरूम है कहाँ, चलिए पता करते हैं वॉशरूम कौन सा है। वो वाला वॉशरूम तो बड़ा बुरा हाल है यार उसका, उम्मीद करता हूँ कि वो वाला वॉशरूम ना हो, साफ सुथरा वॉशरूम हो। एटलीस्ट जो आगरा कैंट वाला वॉशरूम था वो तो बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत क्या यार, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, और वहाँ पे गीज़र वगैरह सारी चीज़ें लगी थी, आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आगरा का मैं रिटायरिंग रूम डाल रखा है, आगरा कैंट के, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जो बना हुआ है। तो भाई पता कर लिया हमने, कह रहे हैं कि डोमेट्री के अंदर ही आपके वॉशरूम है, वो वाला वॉशरूम नहीं है, और बाकी वो गंदा भी बहुत था जो भी आपने देखा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है वॉशरूम, और उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से प्रॉपर्टी लग रही है मुझे उस हिसाब से वॉशरूम तो अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट। चलो आपको दिखाते हैं, ये वाला वॉशरूम होगा, तो ये वाला वॉशरूम है, सामने सिंक है,
मिरर है, ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट सीट, ये बाल्टी मग, और ये इधर एसी का एग्जॉस्ट है, और ये सामने गीज़र लगा हुआ है, सेम गीज़र वहाँ भी लगा हुआ था। बस ये है कि वहाँ पे एक बार में कहीं से दो लोग कम से कम जा सकते थे, यहाँ पे एक बार में एक ही लोग आ पाएंगे। स्पेस वाइज ठीक है, पर चार लोगों की डोमेट्री इट इज़ ओके एंड इनफ। यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं है, यहाँ पे एग्जॉस्ट होना ज़रूरी था, बाकी खुला तो है, एग्जॉस्ट नहीं है। शावर भी है सामने, तो यू कैन टेक शावर ऑल्सो। हाँ, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हैंड वॉश होना चाहिए था, जो हैंड वॉश नहीं है, और ये पानी जो है लीक कर रहा है। यहाँ से आप जो खोलेंगे, खोल के दिखाता हूँ मैं आपको इसको, जब मैं इसे खोल दिया तो आप देख सकते हैं ये लीक कर रहा है, तो इसमें प्रेशर कम बन रहा है, तो बंद कर देता हूँ। बाकी ये टिश्यू पेपर का वो भी खाली है, बाकी सब ठीक ठाक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साफ सफाई भी ठीक ठाक ही एवरेज में। अच्छा, चाय कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके चाय भी मंगा सकते हैं अपने रूम में, जो कि मैंने भी मंगाया हुआ। तो भाई ये आई है चाय अपनी मनपसंद वाली, जो कि डिप वाली नहीं है। हालांकि ये जो प्लास्टिक वाला है ना, इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, और यही एक कारण है कि मैं ट्रेनों में चाय नहीं पीता। मतलब ये ला दिया यार, इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे लगा कि शायद ये कुल्हड़ में आएगी, लेकिन इसमें आई है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी जहर भी पीना चाहिए। तो दोस्तों चलो आप सोते हैं, मिलते हैं सुबह, क्योंकि कल एक और जर्नी है जयपुर से बीकानेर की, और उसके बाद फिर बीकानेर से वापस दिल्ली की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हो गई है सुबह, और मैं रात को आपको ये बताना भूल गया कि ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ी मुझे। तो ये एक्चुअली बुक होता है स्लॉट के हिसाब से, तीन तीन घंटे का स्लॉट होता है, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के हिसाब से। तो मैंने 9 घंटे के लिए बुक किया हुआ था, और ये मुझे पड़ा था 317 रुपये 15 पैसे का। आपने देखा ये प्रॉपर्टी कैसी थी, वॉशरूम वगैरह कैसा था, सारी चीज़ें, तो बहुत बेस्ट था इस रेट के हिसाब से। और आप देख सकते हैं व्यू भी कैसा है यहाँ। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पर अगर ऑनलाइन बुक नहीं किए तो ऑफलाइन भी आकर आप बुक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।